आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह करीब 6 महीने बाद आज घर लौट सकते हैं। फिलहाल लीवर से जुड़ी अपनी बीमारी के इलाज के लिए वो लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान यानी ILBS में एडमिट हैं। अस्पताल में लीवर की बायोप्सी संजय सिंह की गई है और इस जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही उनका आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत की खबर सुनने के बाद संजय सिंह के समर्थक ढोल के साथ उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह को शुभकामनाएं दी, जबकि अनीता सिंह ने कहा कि ये संघर्ष लंबा है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। संजय सिंह के बाहर आने का हम जश्न नहीं मना रहे हैं, ये उनकी पत्नी ने कहा। जमानत के लिए हम अदालत को धन्यवाद देते हैं। संभावना है कि संजय आज घर पहुंच जाएं। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि मेरे 3 भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी सलाखों के पीछे हैं। उनके बाहर आने के बाद ही हम जश्न मनाएंगे। सभी के बाहर आने पर तक ये खुशी जो है वो अधूरी रहेगी, लेकिन ये सत्य की जीत है। वहीं संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने कहा कि बेटे को पेट में संक्रमण हुआ है, उससे जुड़ा हुआ इलाज चल रहा है। संजय सिंह से मैं मिलकर आई हूं, वो ठीक हैं। वहीं देर शाम उनकी पत्नी भी कल उनसे मिलकर आई और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि शाम को संजय पूरे परिवार के साथ घर पर होंगे और रात का खाना हम मिलकर खाएंगे। उनकी मां राधिका ने यह भी कहा कि बीजेपी ने बिना किसी कारण 6 महीने तक संजय को जेल में रखा, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन परेशान किया जा रहा है। सच कभी हार नहीं सकता। संजय के लौटने की खुशी में पिता दिनेश सिंह भी दिल्ली आ रहे हैं और बुधवार शाम तक यानी कि आज शाम तक सुल्तानपुर से दिल्ली पहुँच जाएंगे। वो बहुत खुश हैं और उन्होंने अपने पैतृक स्थान पर मिठाइयां बांटी। जैसे ही जमानत की खबर मिली, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि कल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था पिछले साल और तब से ही संजय सिंह जेल में बंद थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को जमकर फटकार लगाई और जमानत देने से पहले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या ईडी को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए। पीठ ने एसवी राजू को यह भी कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है, कोई मनी ट्रेल नहीं दिख रहा, उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है, उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता था। इससे पहले कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर एजेंसी अभी भी संजय सिंह को हिरासत में रखने की दलील देती तो ऐसी सूरत में कोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते हुए मुकदमे की योग्यता पर विचार करना होगा। तो अब संजय सिंह बाहर आ रहे हैं और क्या आम आदमी पार्टी में जो इस वक्त संकट है उसे पूरी तरीके से संजय सिंह संभालेंगे, क्या रणनीति होगी, क्या क्योंकि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स भी कर सकेंगे, कोर्ट ने कहा है कि वो अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकेंगे, ये बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।